चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसूरी पहुंचे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर कहा कि सीएम धामी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से विजयी भी होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी है, वो भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। लड़ेंगे और जिन्होंने सीट छोड़ी है वो पूरी तरह से मैं जानता हूँ कि वो वहाँ भी अपनी भाजपा सीट पिछली बार भी थे, अभी थे, जब खुद मुझे भी विषय आया कि सीट लेने की तो उस आदमी ने तो मुझे अपना शाइन करते हुए और कोरा पैड दे दिया था कि आप लड़ो, तो उस समय भी कहा अभी भी उसने निमंत्रण, तो ये बहुत बड़ी मैं कह सकता हूँ कि आदमी का समर्पण उन्होंने किया है। निश्चित है कि उस सीट को हम लोग जीतेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के भाजपा में जाने की चर्चा को लेकर अब अटकलें तेज दिखाई दे रही हैं। इस पर कई तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रीतम सिंह के बयान का इंतजार भी किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सियासी हवा में ये तमाम बातें तैर रही हैं। प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है, प्रीतम सिंह ने इस खबरों का खंडन कर दिया है। ये भी जान लीजिए कि इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा है कि हाईकमान के सामने कहा गया है कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई है और गुटबाजी में मेरा नाम भी शामिल किया गया है। आठ टर्म विधायक के मेरे पिताजी ने और छठा टर्म विधायक के रूप में मैंने कांग्रेस को दिए हैं। मैं नाराज नहीं हूं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन एक बात अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से जरूर मैंने कही है, आग्रह किया सोनिया जी से, राहुल जी से, कि जांच हो इस बात की कि जो ये राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने और इस प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कही कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पराजित हुई है और उस गुटबाजी में मेरा नाम भी इंगित किया गया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जिस दिन से मैं अध्यक्ष बना उस दिन से लेकर आतिथि तक मैंने अगर कांग्रेस को कमज़ोर करने वाला कोई बयान दिया हो या किसी नेता के विरुद्ध कोई सार्वजनिक बयान दिया हो या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया हो, तो भाई अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय नेतृत्व तो जो कार्रवाई मुझ पर करना चाहे मैं उसको स्वीकार करने के लिए। देखिए 3 मई से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा को लेकर मंथन किया और इस दौरान यात्रा की तैयारियों पर बातचीत भी हुई है। जया और मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, खाद्य आपूर्ति, सूचना समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद भी रहे। बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री अधिकारियों पर नाराज भी दिखाई दिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यात्रा की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं और अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 25 तारीख का अल्टीमेटम भी है। हम यात्रा की और पीडब्ल्यूडी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रही, इसमें सभी विभाग उपस्थित रहे और इसमें हमने बड़े ठोस निर्णय लिए हैं। मास्क मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी रहेगी, जो भी यात्रा करेंगे मास्क पहन करके जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा। हमने जो टैक्सी ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उनको भी हिदायत दी हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा है कि आप कार पार्क बनाएं और जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक के अंदर काफ़ी ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, उसके लिए जो निदान के उपाय हैं वो करिए। तो इसके लिए हमने कुछ हिदायत भी दी हैं और जो कार जो हैं जो खड़ी हो जाती हैं उनको उठा करके टो किया जाए और फाइन लगाए जाएं, ताकि कम से कम लोगों में मैसेज जाए कि भाई हम नॉनसेंस नहीं स्वीकार करेंगे।